राम भक्तों के लिए जयपुर से प्रसाद भिजवाया जा रहा है। इससे पहले सीता माँ की रसोई के लिए तेल के पीपे भिजवाए थे। बाल मुकुंदाचार्य जयपुर से विधायक हैं, इन्होंने यहाँ पर अभी ये झंडी दिखाई है, भगवा झंडी दिखा कर रवाना किया। इसके साथ में संघ के VHP के पदाधिकारी भी, क्या कहेंगे यहाँ से ये जो प्रसाद भिजवाया जा रहा है? हमारे वरिष्ठ समाज सेवी दामोदर दास जी मोदी और उनके सभी सहयोगियों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद और सभी हमारे सनातनी संगठन, उन सबका सहयोग योगदान रहा और हम लोग निरंतर जयपुर से माँ जानकी जी की रसोई में, जो लाखों करोड़ों भक्त राम जी की सेवा में आ रहे हैं, वहाँ राम माता जानकी जी के प्रसाद पाएंगे, उसी प्रसाद की सेवा हेतु नित प्रतिदिन जयपुर से कई संख्या में भिन्न भिन्न स्थानों से राशन सामग्री जा रही है। और उसी क्रम में आज आदर्श नगर स्कूल राजा पार्क से शुरुआत की गई है और इसके पीछे एक ही वो है कि माँ जानकी जी की जो प्रसाद सब भक्त पाएँ, उसमें सेवा हमारे जयपुर वासियों का यथा योग्य सेवा भगवान का है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं हम और वही भगवान के चरणों में जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ से शुरुआत की गई है और लाखों करोड़ों भक्त वहाँ जो आएंगे उनकी सेवा में प्रसाद ये भंडारा वहाँ सेवा देगा। और इसके अलावा जयपुर से और जयपुर से पूरे राजस्थान से हर एक नगर कॉलोनी से राशन सामग्री जा रही है और वहाँ पर जो प्रसाद भोग लगेगा वो जा रही है। पहले घी गया था, जो गऊ का घी कई वर्षों से इकट्ठा किया जा रहा था, वह गऊ का घी जिससे भगवान का अभिषेक होगा, अखंड दीपक जलेगा और वहाँ भगवान की जो पहली आरती होगी उसी घृत से होगी। ये भी सौभाग्य राजस्थान को मिला और ये भी सौभाग्य राजस्थान को मिल रहा है कि वहाँ शुद्ध प्रसाद जो माँ जानकी जी की रसोई से भगवान को भोग लगेगा और हम भक्त वहाँ जाके पाएंगे माँ का प्रसाद। वह प्रसाद की सेवा में योगदान की शुरुआत जयपुर नगर से पहले हुई और जयपुर के भिन्न भिन्न स्थानों से ऐसे राशन के सामान नित प्रतिदिन सेवा में जा रहे हैं। आप भी जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, हम लोग दो दिन अभी विधानसभा है, विधानसभा से अगर छुट्टी मिला तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से वहाँ सेवा लगी है प्रसाद की संतों की, तो वहाँ उस सेवा में हमें भी दो दिन तीन दिन के लिए जाना होगा। अवसर मिला, छुट्टी मिली हमें तो जाने का जरूर जाएंगे। सौभाग्य है, सौभाग्य का इंतजार था 500 वर्षों से, अब इसको खोना नहीं चाहते इस अवसर को। और 29 तारीख बाद जब सबके लिए परमिट खुलेगा तो क्षेत्र वाइज भक्तों के साथ भी हम लोग दर्शनार्थ जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने वहाँ पर 22 तारीख का बहिष्कार किया, नहीं जा रहे, क्या कहेंगे उनको? वो राम मंदिर का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो राम जी का बहिष्कार कर रहे हैं, सनातनियों का बहिष्कार कर रहे हैं, राम भक्तों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाए थे, ये वही लोग हैं जो हम लोगों को जेल में बंद किए थे। मैं तो खुद उस 7 दिन बंद होके आया हूँ जेल में फैजाबाद। और ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने की बात करते थे, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को फांसी से छुड़ाना चाहते थे, उनकी पैरवी करते थे रात को कोर्ट खुलवाकर, ये वही लोग हैं राम मंदिर नहीं बने उसके विरोधी थे। यानी यहाँ सनातन राम जी की चर्चा न हो पाए इसके खिलाफ ये हमेशा काम किए हैं और वही लोग अब ये राम मंदिर के विरोधी रूप में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका संबंध प्राचीन काल लंका के, जो लंका से संबंधित रावण के जो थे, लगता है कि ये वही लोग हैं। रावण ने तो फिर भी एक बार जाते जाते लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो उससे भी खतरनाक रावण के रूप ले रहे हैं जो राम जी के मंदिर के विरोध में। तो आप देखिए कि ये यहाँ से ट्रक यहाँ से रवाना हो गया है और जय श्री राम के जयकारों के साथ में, और ये जो प्रसाद की सामग्री है यहाँ से रवाना की जा रही है, 1 लाख पैकेट है यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से तैयार किए गए विधि विधान पूजा के साथ में, यहाँ पर नारेबाजी के साथ में। या अब देखिए कि किस तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ में यहाँ से रवाना किया जा रहा है। राजस्थान से पहले देशी घी भिजवाया था सीता माँ की रसोई के लिए, फिर तेल सरसों का तेल भिजवाया था और अब ये जो प्रसाद सामग्री है ये भिजवाई जा रही है।